नमस्कार एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर एट ऑन पेज नंबर थर्टी वन सी द क्वेश्चन नंबर फोर राइट द नेम्स ऑफ फोर डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू सन एंड फील इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमें मैंने आपको ड्रॉ करके कर दिया है उसमें आपको सन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन डायरेक्शंस को फिलअप करना है और यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है तो ये बहुत ही ईजी है दो डायरेक्शंस को सन के अकॉर्डिंग तो हम देख सकते हैं ना देर इज़ ईस्ट इन फ्रंट ऑफ अस जहाँ से सन राइज होता है यानी उगता है और इन बी एट बिहाइंड देर इज़ वेस्ट जहाँ पे सन क्या होता है सेट होता है, है ना और इन राइट right, देर इज साउथ एंड लेफ्ट देर इज नॉर्थ तो हम अगर सन को देखें तो यहाँ से हमें आंसर देना है फ्रंट यू विल बी द ईस्ट बिहाइंड यू विल बी द वेस्ट एंड टू द लेफ्ट विल बी द नॉर्थ टू द राइट विल बी द साउथ है न बहुत ही ईजी है वी फेस दाइजिंग सन नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फाइव वन वर्ड आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ अ मैप मैप के टॉप में कौन सी डायरेक्शन होती है ये मैंने आप जब को सॉरी अब मैंने जब आप सबको रिविजन करवाया तब बोला था देर इज ओनली नॉर्थ ऑन द टॉप ऑफ मैप ओके सो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ इज आंसर क्वेश्चन नंबर टू द स्टार इन द स्काई विच अस टू फाइंड डायरेक्शन यानी स्काई में यानी आकाश में एक ऐसा स्टार है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता और जो हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है तो वो कौन सा स्टार है इट इज़ पोल स्टार ओके सी थर्ड वन विच डिवाइस इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन यानी कौन सा डिवाइस है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है डायरेक्शंस को जानने में So it is compass. Heinna? So these are the question will repeat direction at the top of a map. Answer is north. The star in the sky which helps us to find directions. Answer is pole star. Which device is used to know the direction? Answer is compass. Now see the uh, page number 32. short question answer first question is in which direction do the Himalayas lie in India हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें हिमालयस की जो माउंटेन रो है वो कहाँ पे है तो आंसर इस The Himalaya lie to the north of India यानी हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हमारा हिमालय है ओके नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन वेयर डज द सन राइज एंड वेयर डज इट सेट यानी कहाँ से सूरज उगता है और कहाँ से ढलता है है ना? तो आंसर इज द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट यानी जो सन है वो राइज कहाँ से होता है सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सी द थर्ड क्वेश्चन वॉट डू यू मीन बाई सेटिंग ऑफ द सन अभी मैंने आपको बोला कि सन का सेटिंग यानी सेट होना वो मतलब क्या है तो आंसर इज सेटिंग ऑफ द सन मीन्स सन कमिंग टू वेस्ट यानी सन है वो वेस्ट की तरफ ढल रहा है आ रहा है इसका मतलब सन सेट हो रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है है ना तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम फिर से रीड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन डू द हिमालयस लाई इन इंडिया आंसर इज द हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज द सनराइज एंड वेयर डज इट सेट answer is sun rises in the east and sets in the west now see the third question what do you mean by setting of the sun answer is setting of the sun means sun coming to west yani sun west ki taraf aa now see the question number 7 long question answer first question is give any four words used to show एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन्स करेक्टली यानी ऐसे चार वर्ड्स लिखने हैं जो हमें डायरेक्शंस को एक्सप्लें uh, करने में हेल्प करते हैं तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए थे उसमें से चार वर्ड्स लिखने हैं जो आपको याद हो तो आंसर इज द वर्ड्स अप डाउन नियर एंड फार ये चार वर्ड्स है अप डाउन नियर एंड फार आर यूज टू शो एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ये चारों वर्ड्स की हेल्प से हम डायरेक्शन्स को एक्सप्लन कर पाएंगे कि यहाँ पे ऊपर है यहाँ नीचे है आपके बहुत नज़दीक ही पड़ा है और आपसे यहाँ से थोड़ा दूर है तो दीज आर दी वर्ड्स विच हेल्प्स आस टू एक्सप्लेन एंड शो द डायरेक्शंस नीद सेकेंड वन हाउ मैनी डायरेक्शन्स आर देर राइट डाउन द नेम ऑफ डायरेक्शन्स तो आंसर इज देर आर फोर मेन डायरेक्शन्स एंड डायरेक्शंस के नेम क्या है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ सो विल रिपीट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी फोर वर्ड्स यूज टू शो एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन्स करेक्टली आंसर इज द वर्ड्स अप डाउन नियर एंड फार are used to show and explain the directions second one is how many directions are there write down the names of directions answer is there are four main directions first one is second west third north and fourth south so these question answer you have to write down in your worksheet by your own and then correct if there is wrong